भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होना तय है। पूरे प्रदेश में विकास रुक चुका है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की गई है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। होना है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ जो विकास हो रहा है वह मोदी सरकार के पैसों से हो रहा है, बहुत सारी योजना, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, जनधन खाते का मामला हो, चाहे मातृ वंदना योजना हो, चाहे यहाँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया हो, यहाँ किसानों का MSP बढ़ाया गया है 2203 रुपये, यहाँ केंद्र की सरकार मोदी सरकार देती है 600 रुपये मात्र, यहाँ भूपेश सरकार देती है, और झूठ बोलने में महारत हासिल किए हुए श्रीमान भूपेश जी लगातार किसानों को ठग रहे हैं, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, अपने विधायकों को भी वह सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ जिस प्रकार के केंद्र सरकार की योजनाओं से रेल की परियोजनाएं, सड़क की परियोजनाएं या अन्य परियोजनाएं चल रही है, छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी।